आज की क्लास में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक प्रोफेशनल रिज्यूम कैसे तैयार करते हैं। काफ़ी सारे लोगों की एक प्रॉब्लम होती है कि उनको प्रोफेशनल रिज्यूम की आवश्यकता होती है और उनको प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना नहीं आता, तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक प्रोफेशनल रिज्यूम आपको बना करके दिखाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपको रिज्यूम बनाने से पहले एमएस वर्ड के अंदर आपको जो पेज दे रखा है उस पेज को आपको सेट करना होगा, उसकी मार्जिन आपको सेट करनी होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो रूलर बार दे रखी है यहाँ से आप पेज की मार्जिन सेट कर लीजिएगा। तो आपकी जो पेज की मार्जिन है उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ से, जितनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ से सेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसकी मार्जिन सेट करने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे रिज्यूम का टाइटल आपको लिखना होगा कि रिज्यूम का टाइटल क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये टाइटल लिखते हैं अपना रिज्यूम, ठीक है। अब ये टाइटल करने के बाद में इसको हम थोड़ा सा साइज में बड़ा कर लेते हैं ताकि इसकी साइज बड़ी हो जाए, और इसको हम थोड़ा सा बोल्ड भी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको सेंटर में लेके आने के लिए तो अलाइनमेंट्स अपने दे रखे हैं, सेंटर में इसको ले लेते हैं हम यहाँ से। इसके बाद में हम एंट्री करते हैं और इसको वापस से राइट अलाइनमेंट हम सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसके साइज़ को नॉर्मल कर लेते हैं, जितनी हम नॉर्मल आपको साइज़ चाहिए। तो हम यहाँ पे साइज़ इसकी 14 हम रखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लिखेंगे अपनी पर्सनल डिटेल के अकॉर्डिंग। तो आपको एक प्रोफेशनल रिज्यूम कैसे बनाना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम यहाँ टाइप कर लेते हैं राकेश कुमार गुप्ता, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे एड्रेस लेते हैं, मान लीजिए इसका एड्रेस है यहाँ पे, पिन कोड ले लेते हैं अपन इसका। इसके बाद में इसका मोबाइल नंबर हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसकी ईमेल आईडी हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं amelearning@gmail.com, ठीक है। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी हमने टाइप कर लिया। सबसे पहले तो इसके अंदर जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा दे रखा है, तो पहले तो हम इसकी स्पेस को कम करेंगे। सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल पेज को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी साइज़ कम कर लेते हैं, यहाँ पे 0 रखते हैं। इसके बाद में पेज लेआउट में जा करके यहाँ पे 10 जो दे रखी पीजी इसको 6 पे रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ से एंट्री करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन आपको अगर सीधी खींचनी है तो शिफ्ट के साथ इस लाइन को यूज करोगे तो आपकी ये लाइन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आएगी। इसके बाद में इसकी जो साइज़ है वो हम यहाँ से बढ़ा लेंगे, फॉर्मेट मेन्यू में जाकर के इसकी साइज़ जो दे रखी है यहाँ पे इसकी साइज़ को हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा यहाँ पे हम आगे लिखते हैं, हम कैरियर ऑब्जेक्टिव आप इसको थोड़ा सा साइज में बढ़ा कर लीजिएगा, इसको 16 रखते हैं हम, और इसको बोल्ड कर लेते हैं हम, और इसके बाद में इसको अंडरलाइन भी कर लेते हैं हम, ठीक है। और इसको हम एंटर कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे आप जो भी पॉइंट्स देना चाहते हो यहाँ पे पॉइंट्स आप लिख सकते हो जो भी इसके बारे में। तो यहाँ पे मैं टाइप करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइप कर लिया, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा स्पेस दे करके, इसके बाद हम एंट्री करते हैं और फिर से हम यहाँ पे हेडिंग टाइप करेंगे। तो आप चाहो तो इसको कॉपी करके यहाँ पे हेडिंग को डाल सकते हो ताकि इसकी फॉर्मेटिंग सेम रहेगी, और अब इसको आप चेंज कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा एंटर और कर लेता हूँ, अब आप इसको चेंज कर लो जो भी आपको चेंज करना है। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक अपना जो हेडिंग आएगी प्रेजेंट डिजिग्नेशन क्या है यहाँ पे, यानी कि जो काम व्यक्ति है वो किस काम करता है, ठीक है। अब इसको हम एंटर करके इसके अंदर हमारे जो भी प्रेजेंट डिजिग्नेशन होगी वो हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे,
ठीक है, यहाँ पे आपकी जो भी आप जिस पोस्ट पे काम कर रहे हो या जिस जगह काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अपनी जो हेडिंग है वो नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ से वही चीज़ हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे भी इस चीज़ को चेंज कर लेंगे। आप हेडिंग कॉपी करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप चाहो तो अपने हिसाब से वैसे भी कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और इसके अंदर जो भी अपना वर्क एक्सपीरियंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अकाउंटेड, ठीक है, और अपना सेकंड जो है तो इसको मैं कॉपी करके रख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तक अपना जो सेकंड है यहाँ पे यहाँ पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे जितना भी 2 ईयर एक्सपीरियंस कंप्यूटर सेक्टर में है मान लीजिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर सेक्टर, जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में और भी आपके पास में अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे लिखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है अपनी, तो मैं यहाँ से हेडिंग को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ताकि एज इट इज़ सेम आपकी पोजिशन रहे। तो यहाँ पे मैं एजुकेशन करता हूँ, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, और अपनी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं जो भी अपनी एजुकेशन, मान लीजिए मेरी यहाँ पे है एम कॉम फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी, ठीक है, बी कॉम फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी, मान लीजिए ये आपने कब कंप्लीट की वो आप यूज कर, जो भी आपका ईयर है आप यहाँ से यूज कर सकते हो, और यहाँ पे ऐसे ही आपने 10th 12th के भी आप यूज कर सकते हो और दे सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग टाइप करेंगे हम यहाँ पे कंप्यूटर स्किल, कि कंप्यूटर में हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हमने कर लिया, जैसे RICIT मान लीजिए आपने RICIT किया है, MS Office आपने किया है, आपने टेली अकाउंटिंग की है, आपने PGDCA किया है, आपने PGDCA किया है, जो भी कि आप यहाँ पे कंप्यूटर स्किल में डाल सकते हो। एंटर कर, नेक्स्ट हेडिंग आएगी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसको भी हम कॉपी करके यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया ना नेम, नेम का यहाँ से आपको यूज करना है टैब का ऑप्शन, ठीक है, टैब में आपको स्पेस फिक्स मिलेगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ कर लिया, केश कुमार गुप्ता, आप यहाँ एंटर करके टाइप कर लो और बाद में हम इनको एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट से फादर्स नेम, ठीक है, टैब यूज करना है, रमेश चंद गुप्ता। नेक्स्ट टाइप कर लेते हैं हम ना मदर्स नेम, ठीक है, स्पेस हम वही रखेंगे टैब का यूज करके, और मदर्स नेम ले लेते हैं हम यहाँ पे गीता देवी, गीता देवी पे लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, टैब यूज करेंगे, और यहाँ पे हम अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी जुलाई 1st, उसके बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे जेंडर अपना, जो भी जेंडर है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मेल,
और उसके बाद में हम यूज करेंगे यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, यानी मैरिड हो या अनमैरिड, टैब यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप जो भी हो यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आप यूज करोगे यहाँ पे आपकी लैंग्वेज नॉलेज क्या है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो भी लैंग्वेज नॉलेज है वो आप यहाँ लिख सकते हो, जैसे हिंदी, इंग्लिश, राजस्थानी, जो भी आप यूज करना चाहो यहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आप यहाँ पे टाइप करेंगे अपना नेशनलिटी क्या है अपनी, नेशनलिटी क्या है, नेशनलिटी क्या है अपनी, यहाँ पे टैब यूज करेंगे और यहाँ पे अपनी है इंडियन। नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे अपन हॉबीज़, अपनी हॉबीज़ क्या है, हार्ड वर्किंग, टीचिंग, जो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके बाद में अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आप यहाँ पेस्ट करके वही चीज़ आप हेडिंग बना सकते हो। इसको एडजस्ट कर लेंगे अभी हम, और हमने टाइप करके देख रहे हैं अभी, ठीक है। स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे, ये एक फिक्स होता है, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। हार्ड वर्किंग एंड पंचुअलिटी, पंचुअलिटी, और यहाँ पे नेक्स्ट एक को लिख लेते हैं गुड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे एंटर करके नीचे हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं कुछ हेडिंग, डैट, और इसके नीचे हम यहाँ पे यूज करेंगे पैलेट्स, अपना जो भी पैलेट्स यहाँ पे, और यहाँ पे हम टैब करके, ठीक है, यहाँ टैब करके आपको थोड़ा सा आगे आना है और यहाँ पे डबल कोष्ठक के अंदर अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, ठीक है। अब इसको हम एडजस्ट करते हैं हेडिंग से, ठीक है। पहले तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल सेलेक्ट करके यहाँ सबसे पहले तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके एडजस्ट कर लो, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद में देखो यहाँ पे अपना ठीक है, यहाँ से आप ठीक कर रखें। अगर इसके स्पेस कम करना चाहो तो आप यहाँ से पेज लेआउट में जाकर इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। और इस लाइन को थोड़ा सा हम नीचे ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इसके बाद में हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे जो अपनी लाइनें हैं ये अपनी थोड़ी स्पेस इसको कम करना है, यहाँ से थोड़ा सा एंटर करके आप नीचे ले सकते हो। इसके बाद में इसका स्पेस, बाकी जो यहाँ पे दे रखे इनका स्पेस आपको जीरो करना है, तो कैसे करोगे, यहाँ पे जीरो कर दीजिएगा ताकि आपका सारा मैनेज अच्छे से हो जाए, ठीक है। ये देखो यहाँ से यूज कर लेते हैं अपन, और यहाँ से भी हम थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं इनके अंदर ताकि आपका स्पेस अच्छा रहे यहाँ से, ठीक है। सभी भी हेडिंग के साथ में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पेस दे लेंगे हम 6 पॉइंट का, ताकि अपनी जो लाइनें हैं वो अच्छे से दिखाई दे। यहाँ एंटर कर लेते हैं अपन, यहाँ से भी हम एंटर करते हैं और यहाँ पे भी हम 6 पॉइंट का स्पेस देते हैं, यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, इसमें भी हम 6 पॉइंट का स्पेस दे लेते हैं और यहाँ पे भी हम 6 पॉइंट का स्पेस दे लेते हैं, ठीक है। और इनको भी हम एडजस्ट करते हैं अच्छे से, तो कैसे एडजस्ट करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे रूलर बार से हम थोड़ा सा इसको आगे लेके आते हैं और इसके बाद में यहाँ पे टैब भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। टैब यूज करके आप इनको फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम टैब यूज करके इनको फिक्स कर रहे हैं, इनको भी हम फिक्स कर लेते हैं यहाँ से, इसको थोड़ा सा एंटर करते हैं हम और इसमें हम 6 पॉइंट का स्पेस ले लेते हैं और यहाँ से इसको हम थोड़ा सा आगे ले लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे।
इसके जूम साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। आप इसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस ले सकते हो, तो यहाँ पे होम में जा करके हम इसमें थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेते हैं ताकि अपना अच्छे से क्लियर दिखाई दे अच्छे से। देखो यहाँ पे हमने ये टाइप कर दिया यहाँ से, और ये अपनी जो सारी चीज़ें वो इक्वल टू आ रही है। ठीक है, प्रोफाइल को हम एंटर करके नीचे ले लेते हैं और इनको भी हम फिक्स कर लेते हैं इक्वल लेवल में। ठीक है, डबल क्लिक करके आप इक्वल कर सकते हो और यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर लेंगे अपन। ठीक है, और इसके बाद में हम यहाँ से चलते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। और यहाँ से हमने ये टाइप कर लिया, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, इनको भी हम बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब इनको हम कुछ सिंबल्स दे देते हैं। इनको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ से हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट्स हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे अपने पास में, तो ताकि आपकी जो हेडिंग है वो और अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे भी हम हेडिंग्स यूज कर लेते हैं पॉइंट्स में, और इसकी स्ट्रेंथ को वापस से ठीक कर लेते हैं यहाँ पे। और ऐसे ही मैं इनको भी यूज कर लेता हूँ, और इसको भी हम यहाँ पॉइंट, चलो यहाँ से हम इसको यहाँ तक कर लेते हैं। ये पॉइंट अपने रूलर बार का, यहाँ से पॉइंट एडजस्ट कर लेंगे। इमेज यूज कर लेते हैं फोटो लगाने के लिए। तो ये हमारा जो रिज्यूम है ये बनकर के तैयार हो चुका है। तो आप इस फॉर्मेट में एक प्रोफेशनल तरीके से रिज्यूम तैयार कर सकते हो और अच्छी तरीके से कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। तो आज की क्लास में हमने सीखा रिज्यूम तैयार करना, कि कैसे हम प्रोफेशनल रिज्यूम तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से आप रिज्यूम तैयार कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।